नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूँ संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए विकास जी, जो कि भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। और एसयू कॉलेज जब 2013 में छासन चुनाव हुआ था, तब संयुक्त सचिव पद पर वो जीते थे। आज उसी कॉलेज के पर बातचीत करेंगे कि पीजी की पढ़ाई को लेकर अब जोड़ पकड़ने लगा है, चार विषय की अनुमति मिल गई है कि इसी सत्र में नामांकन होगा। आंदोलन कितना रंग लाया है, इसी पर बातचीत करेंगे। बताइए विकास जी। नमस्ते। इस पब्लिक ऐप के माध्यम से, भाई संतोष जी के माध्यम से जुड़े सभी दर्शकों को मेरा नंदन अभिनंदन है, नमन करते हैं। और जो लंबे अरसे से मांग चलती आ रही थी, पीजी की पढ़ाई को लेकर के, कि आप इस्लामपुर से फतुहा के रेंज में जो एक मात्र अंगीभूत इकाई जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है, एसी कॉलेज हिलसा, इसमें सभी दल के लोग भी इसमें सहयोग दिए बखूबी। हम सब भी, जैसा संतोष भैया ने बताएं कि 2013 में मौसू इलेक्शन जब हुआ, उस समय हम लोग ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जगह जगह पर छात्रों को साथ जो है आंदोलन करने का काम किया और ज्ञापन देना, वीसी के पास जाना और फिर बड़े बड़े राजनेता से भी मिलना और इस तरह से जो है अपना गतिविधि जारी रखें। और उसी का परिणाम है, यहाँ के जो हिलसा का विद्यार्थी हैं उन्हीं का ये देन हुआ और सक्सेस हुआ। आज बहुत खुशी का विषय है कि हमारे यहाँ कम ही विषय में पीजी आया है, मगर चार ही विषय में सही, मगर शुरुआत हो गई है। जब हो गई है तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में जो इधर उधर जो लोग भटकते थे, उसका जो है एक माध्यम मिल गया है उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु यहाँ हिलसा में रुक करके, और अपने पीजी का जो पढ़ाई जो यहाँ करेंगे बच्चा, इसे लाभ मिलेगा, बखूबी लाभ मिलेगा। जैसे कि हम जानकारी के लिए बता दें, यहाँ आर्ट्स सेक्टर में ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से और आपका पॉलिटिकल साइंस से, ये तीन विषय से जो है आर्ट्स सेक्टर से, और एक विषय गणित से, और इस तरह से मिला करके चार सेक्टर में जो है पीजी का पढ़ाई जो है यहाँ एसी कॉलेज में शुरू होने जा रहा है। तमाम विद्यार्थियों से आग्रह है कि अपने जो है इसी सत्र में एडमिशन होना है, नामांकन होना। कितना आंदोलन कारगर रहा विकास जी, इस समय शुरुआत किए थे, आपके मार्गदर्शन कौन रहे, कैसे रहे? हम लोग का मार्गदर्शन है, आप लोग से, आपके माध्यम से भी कुछ हम लोग जो है जानने का प्रयास किए। और यहाँ कॉलेज के बारे में, जब हम 2013 में जब चुनाव लड़े थे तो कॉलेज के बारे में हमें कुछ वैसा विशेष आइडिया नहीं था और हिलसा के बारे में भी विशेष आइडिया नहीं थी, मगर आप लोग ने जो मार्गदर्शन किए और इसी तरह से जो है हम लोग जो है निरंतर अपना हिसाब से कुछ ना कुछ छात्र के बीच में गतिविधि बनाए रखें और छात्र का जो समस्या से जुड़े रहें, और छात्र का जो आज सहयोग मिला और छात्र का जो विषय हम लोग को उठाते रहें। एसी कॉलेज में बहुत सारे ऐसा गतिविधि था, जैसे सौंदर्यकरण के बात करें, डिजिटल आईडी कार्ड का बात करें, या लाइब्रेरी का बात करें, या तो फिर पूछताछ काउंटर का बात हो, इस तरह से पेयजल का शुद्धता के बारे में हो, फिर कॉलेज के में कैंपस की बात हो, फिर कॉलेज का जो कैंपस था बहुत गड्ढा था, इसको भरवाने का कन्वेंशन हॉल का बात हो, इस तरह से छोटे छोटे समस्या से भी कॉलेज में हम सब बराबर जो है उठाते रहते थे मुद्दा। और लेट सवेर जो कभी डिग्री आती थी पाठ्यड के लेकर के, ऐसा चीज़ के लिए बराबर आंदोलन होते रहता था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आंदोलन का ये रंग है और विद्यार्थी को इसमें छात्र संगठन जो है बहुत लोग जो मिलजुल अब छात्रों में क्या खुशी है? अभी छात्र में खुशी का माहौल है, एक अच्छा वातावरण बनने वाला है, क्योंकि अब पीजी के विद्यार्थी आएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ एक स्कोप मिलेगा विद्यार्थियों को रुकने के लिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर ही लोग जुड़ेंगे, एसी कॉलेज से लोग जुड़ाव रखेंगे, तो उच्च शिक्षा का जब बात होगी तो कहीं ना कहीं जो है सीनियरिटी की भावना आएगा, और इसलिए इस तरह से जो है हमारा जो हिलसा जो है और आगे की ओर अग्रसर होगा, डेवलप होगा। और इसी तरह से जो एसी कॉलेज के इर्द गिर्द जो कैंपस है, इसको जो है सौंदर्यकरण होगा, भवन निर्माण होगा, हिलसा का विकास होगा, और हिलसा से जुड़े हुए जो है छात्र होंगे उनका स्वर्णिम विकास होगा, वो भी आगे बढ़ेंगे। इसी संबंध में जो है हमको इसके बात को देखते हुए बहुत खुशी मिल रहा है कि यहाँ पर लोग आए और अपना जो है हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर किस्मत अजमाएं और लोग लड़ें और लोग पढ़ें। और हमें कहावत अंतिम शब्द में बोलेंगे, लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को। इसी बातों के साथ अपनी वाणी विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।